मुंबई में शिवसेना ने अब एक नया दांव खेला है। शिवसेना शिवाजी पार्क का नाम शिव तीर्थ करना चाहती है। इसलिए शिवसेना ने बीएमसी में प्रस्ताव भी रखा है जिस पर आज चर्चा होगी। एमएनएस और कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। तो इससे पहले शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाए जाने को लेकर विवाद, और अब ये नई मांग जिसमें शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ नाम देने की बात कही जा रही है। याद रखिएगा, बीएमसी में शिवसेना ही बहुमत में है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। किसने संभ्रम पैदा किया है? हमने नहीं किया है। अगर कोई संभ्रम पैदा करना चाहता है तो उनकी जिम्मेदारी है, बाद में क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं। अगर नोटिस दिया है, सरकारी कागज ऐसे बहुत से पूरे महाराष्ट्र में आते हैं, जैसे श्वेत पत्रिका भी निकले सरकारी कागज, पहले एक बात के थे दूसरी बात बाद में आती है, लेकिन ये कोई राजनीतिक बात मुद्दा नहीं है। हमारे लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए ये श्रद्धा का और हमारे लिए बहुत भावना का विषय। इस पूरे मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं। आदित्य अमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, शिवसेना ही बहुमत में है बीएमसी में, प्रस्ताव उनकी तरफ से शिव तीर्थ बना देने का शिवाजी पार्क को, क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए, अगर हम बीएमसी की बात करें और शिवसेना की बात करें तो बीएमसी ही वो अथॉरिटी है मुंबई में, जो कि जो अलग अलग नाम रखे जाते हैं चाहे वो रोड का। इसमें एक तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट अंजना, की जो बीएमसी का हाउस लगता है उसमें जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, साल में अगर सबसे ज्यादा सवाल या सबसे ज्यादा प्रस्ताव डाले जाते हैं तो नाम बदलने को लेकर डाले जाते हैं, और शिवसेना को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती नजर नहीं आ रही है। प्रस्ताव आज रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी, और बहुत ज्यादा दिक्कत शिवसेना को नाम बदलने को लेकर के नहीं आनी चाहिए। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए शिवसेना को नाम बदलने के मुद्दे पर लेकर, जैसा कि जानकारी दे रहे थे आदित्य अमन। शिवसेना की तरफ से ये मांग कि शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ बना दिया जाए।